सभी विद्यार्थियों का हिंदी की कक्षा में स्वागत है। आज हम प्रत्यय पढ़ेंगे। इससे पहले हमने उपसर्ग पढ़ा था। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही नए शब्दों के निर्माण के काम आते हैं। आपको पता ही होगा, उपसर्ग वो शब्दांश है जो शब्द के आगे जुड़कर नया शब्द बनाते हैं, और प्रत्यय उसके एकदम विपरीत है। प्रत्यय वे शब्दांश हैं जो शब्द के अंत में जुड़कर एक नया शब्द बनाते हैं, और उन्हें ही हम प्रत्यय कहते हैं। तो प्रत्यय क्या है? वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं। तो उपसर्ग और प्रत्यय में क्या अंतर हुआ? उपसर्ग दोनों ही शब्दांश हैं, लेकिन उपसर्ग शब्द के आगे जुड़ता है, प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़ता है। दोनों का काम एक ही है, नए शब्द का निर्माण करना, और उस नए शब्द का एक नया अर्थ होता है। जैसे प्रत्यय पवित्र एक शब्द है, इसमें हम त प्रत्यय जोड़ देंगे तो बन जाएगा पवित्रता। मानव शब्द में त प्रत्यय जोड़ देंगे तो बन जाएगा मानवता। जैसे उपसर्ग का स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता, वैसे ही प्रत्यय का भी स्वतंत्र प्रयोग नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों ही शब्दांश हैं, शब्द नहीं है। उपसर्ग का प्रयोग शब्द के आगे और प्रत्यय का प्रयोग शब्द के अंत में होता है, दोनों ही शब्दांश हैं। तो प्रत्यय क्या है? प्रत्यय वे शब्दांश हैं जो शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं। प्रत्यय के भेद, प्रत्यय के दो भेद होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय वे प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप अर्थात धातु के साथ जुड़कर शब्द बनाते हैं। धातु, धातु का अर्थ क्या है? क्रिया का मूल रूप। क्रिया का मूल रूप क्या होता है? जैसे लिखना, लिखना एक क्रिया है, इस क्रिया का मूल रूप है लिख। तो लिख क्या है? धातु। लिख धातु से बनी हुई क्रिया क्या है? लिखना। तो जो प्रत्यय क्रिया के मूल रूप अर्थात धातु के साथ जुड़ती है, उन्हें हम कृत प्रत्यय कहते हैं। यानी जो प्रत्यय क्रिया में जुड़कर नए शब्द बनाएंगे, क्रिया शब्दों में जुड़कर नए शब्द बनाएंगे, वे सारे कृत प्रत्यय कहलाएंगे। जैसे जैसे लिख एक धातु है, एक क्रिया की धातु है, इसमें हम जब प्रत्यय जोड़ेंगे, मान लो हमने जोड़ दिया आवट प्रत्यय, तो बन गया लिखावट। तो आवट प्रत्यय क्योंकि ये क्रिया में जुड़ा है तो ये कहलाएगा कृत प्रत्यय। इसी तरह लिख क्रिया में हमने जोड़ दिया आई प्रत्यय, तो बन गया लिखाई। इसी प्रकार उड़ क्रिया में हमने आन प्रत्यय जोड़ दिया तो बन गया उड़ान। भूल इस क्रिया में अक्कड़ प्रत्यय जोड़ा तो बन गया भूलक्कड़। इस प्रकार कृत प्रत्यय क्या है? कृत प्रत्यय वे प्रत्यय हैं जो क्रिया के मूल रूप अर्थात धातु के साथ जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं, उन्हें हम कृत प्रत्यय कहते हैं। दूसरा भेद है तद्धित प्रत्यय। वे प्रत्यय जो संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के साथ जुड़कर नए शब्द बनाते हैं, उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्यय में क्या था? कृत प्रत्यय केवल क्रिया के साथ जुड़ते हैं, और तद्धित प्रत्यय क्या है? तीन चीजों के साथ जुड़ के शब्द बनाते हैं, संज्ञा के साथ, सर्वनाम के साथ और विशेषण के साथ। तो तद्धित प्रत्यय वे प्रत्यय हैं जो संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के साथ जुड़कर नए शब्द बनाते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं इसका। भूख में हमने आ प्रत्यय जोड़ा तो बन गया भूखा। चतुर में आई प्रत्यय जोड़ दिया तो बन गया चतुराई। इसी प्रकार अपना, अपना में पन प्रत्यय जोड़ दिया तो बन गया अपनापन। कृपा में आलू प्रत्यय जोड़ दिया तो बन गया कृपालु। लिख में इत प्रत्यय जोड़ दिया तो बन गया लिखित। इस प्रकार बहुत सारे शब्द हैं
तो जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के अंत में जुड़ते हैं वो तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। फिर से एक बार इसे देख लेते हैं। प्रत्यय क्या है? प्रत्यय वे शब्दांश हैं जो शब्द के अंत में लगकर नए शब्दों की रचना करते हैं। और उपसर्ग और प्रत्यय में क्या अंतर है? उपसर्ग शब्द के आगे जुड़ता है और प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़ता है। दोनों ही शब्दांश हैं। प्रत्यय के दो भेद हैं, कृत प्रत्यय तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय वो प्रत्यय है जो क्रिया की धातु के साथ लगकर नया शब्द बनाते हैं, और तद्धित प्रत्यय वो प्रत्यय है जो संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के साथ जुड़कर नए शब्द बनाते हैं। तो दोनों में अंतर हो गया। अब कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें उपसर्ग प्रत्यय दोनों का ही प्रयोग हो जाता है। जैसे हम देखते हैं ईमान। ईमान एक शब्द है, इसमें हमने बे उपसर्ग लगाया तो बन गया बेईमान। अब इसी बेईमान में हमने ई प्रत्यय जोड़ दिया तो बन गया बेईमानी। इसी प्रकार हमने मान शब्द में अभी उपसर्ग जोड़ा तो बन गया अभिमान, और ई प्रत्यय जोड़ दिया तो बन गया अभिमानी। सुरक्षा शब्द में हमने अ उपसर्ग जोड़ा तो बन गया असुरक्षा, और उसी में हमने इत प्रत्यय जोड़ दिया तो बन गया असुरक्षित। यानी इससे ये सिद्ध होता है कि हम किसी किसी शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का ही एक साथ प्रयोग हो जाता है। तो इस प्रकार आशा करते हैं कि आपको उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर भी समझ में आ गया होगा और प्रत्यय भी आपको एकदम स्पष्ट होगा। आप इसका अभ्यास अपनी पुस्तक से लगाइएगा। प्रत्येक प्रत्यय के कम से कम 2 से 3 उदाहरण लिखकर याद करने का प्रयास कीजिएगा। धन्यवाद।